सियासी माहौल इस वक्त क्या है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पर हो रही है, सारे मामला लोग जो हैं जेलों में हैं, कुछ लोग अंडरग्राउंड हैं, क्या लाया अमल करेगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इन सारी चीज़ों से बाहर निकले, ये सब जो चीज़ें हम डॉक्टर सरकार से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ कि पीटीए के बहुत से लोग या तो जेलों में हैं या फिर अंडरग्राउंड है, या फिर अगर वो बाहर हैं तो वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे, लेकिन आपने पीटीआई छोड़ी भी नहीं है, आप पीटीआई में भी हैं, खुलकर बात भी कर रही हैं, ये मौजज़ा कैसे हुआ, पहले तो ये समझाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो एक आजिज़ सी और अदना सी वर्कर हूँ, पाकिस्तान की वर्कर हूँ, और किसी और सियासी जमात में जा नहीं सकती थी, क्योंकि किसी और सियासी जमात में ना सच था, ना मुखलिस थे वो पाकिस्तान के साथ, और ना हैं अभी तक। तो इसलिए और मैं क्या कह सकती हूँ, मैं आपको पता है खुल के बात भी करती हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी इज़्ज़त भी रखनी चाहिए और दूसरों की इज़्ज़त को भी मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, क्योंकि खा कोई हमारा मुखालिफ हो, हर आदमी अपनी इज़्ज़त के साथ होता है। तो हम अगर मैं अपनी इज़्ज़त चाहती हूँ तो मुझे दूसरों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, और तहजीब और के दायरे में रह के बात करें, आप अपने ख्यालात का इजहार करें, बिल्कुल हमारा हक है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मुल्क है। मैं तो देखे दूसरे मुल्कों को छोड़ के यहाँ आई हूँ इसलिए, क्योंकि अपने मुल्क में फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न होना और बात है, कहीं और जाके बोलना और बात।